अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहानहु तआला आप सबको खैरियत से रखे, आप सबकी दिली जायज हाजातों को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का वीडियो जो है मेरा वो स्किन से रिलेटेड है। एक सिस्टर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल किया था कि दरूदे पाक और इस्तगफार अगर हम विट कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा सनस्क्रीन लगाना जरूरी है या नहीं है, और सनस्क्रीन अगर मैं ना लगाऊं, सिर्फ मैं 5 टाइम की नमाज जो है वो पढ़ूं और अस्तगफार दरूदे पाक पढ़ूं तो क्या वो इनफ होगा मेरी स्किन के लिए। तो इससे रिलेटेड जो है सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज डिटेल में बताइए। सर, स्किन रिलेटेड इशू जो होते हैं वो गर्ल्स को बहुत ज्यादा होते हैं, होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हमने जो स्किन केयर है, हमने जो अपने रूटीन को मेंटेन करना है स्किन की, वो किस तरह से। सवाल ये आता है कि 5 टाइम की नमाज प्लस वजू प्लस दरूदे पाक से तो माशाल्लाह से स्किन पे ग्लो आता ही है तहज्जुद के नमाज से, और जो स्किन रिलेटेड इश्यू होते हैं वो भी जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन स्किन केयर जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपनी जगह है। अभी जैसे कि मुझे बहुत सारी गर्ल्स मैसेज करती है और ये कहती है कि अभी हमें पिगमेंटेशन हो गई है और हमने डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट किया है, हमने काफी कुछ करके देख लिया, लेकिन पिगमेंटेशन जो है वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे यही रीजन होता है कि उन वो लोग जो है वो अपने स्किन केयर नहीं करते हैं, स्किन का ध्यान नहीं रखते, और जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब वो जो है वो अपनी स्किन केयर करते हैं और स्किन पर फोकस करते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है वो उनकी स्किन इतनी जल्दी जो है वो ठीक नहीं होती, या फिर बहुत वक्त जो है वो लग जाता है। इस पॉइंट को ना मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखें कि एक प्लांट जो है उसे हम लगाते हैं, सीड भी हमने ही डालना है उसमें, उसको वाटर भी हमने देना है, सब कुछ उसका हम करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसे कब सनलाइट में रखना है, कब उसे सनलाइट से हटाना है, कब उसे हवा से बचाना है, कब उसे हवा की जरूरत है, हर एक चीज का ख्याल, तब जाकर जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है और माशाल्लाह से बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स या फ्रूट वो हमें प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही हमारी स्किन के साथ भी है। ग्रो बेशक उसे अल्लाह सुबहाना वताला ने किया है, उस प्लांट को बेशक बड़ा अल्लाह सुबहाना वताला करते हैं, सब कुछ अल्लाह सुबहाना व तआला ने करना है, लेकिन मेहनत उसके पीछे जो होती है वो हमने भी करनी होती है कि हम उसे पानी के टाइम पे पानी दे रहे हैं, धूप के टाइम पे हम उस पेड़ को जो है वो धूप दिखा रहे हैं। इसी तरह से जब एक परिंदा सुबह अपने घर से निकलता है रिस्क की तलाश में, रिस्क देने का वादा तो अल्लाह सुबहाना व तआला का है, लेकिन मेहनत जो है वो चिड़िया अपने रिस्क की खुद करती है। केयर का रूटीन हो या आपका हेयर का रूटीन हो, आप 15 से 20 दिन अपने बालों को जो है बिना शैम्पू के, बिना ऑयलिंग के जो है वो ऐसे ही छोड़ के देख लें, उसका क्या हाल होगा। तो दिस इज नॉट इनफ फॉर यू। सो आपने स्किन केयर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो करनी है, और साथ में आपने दरूद पाक इस्तगफार का भी वेट करना है। आपने जो है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना है। मार्केट में आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है वो कंपनी के नेम पर ही सेल होता है और उसमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, आप कितना भी महंगा जो ब्रांड है उसका आप फेस वॉश बाय करके देख लीजिए, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, हर चीज जो सेम होती है। तो आपने सबसे पहले अपने स्किन टाइप को समझ लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने वो आपने सोप लेना है, चाहे आप क्रीम यूज करें चाहे आप सनस्क्रीन यूज करें, अपने स्किन टाइप को समझ के यूज करें। वरना आपकी अगर स्किन ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर आपकी स्किन पर एक्ने है, पिगमेंटेशन है, तब तो आप अपनी स्किन टाइप को अच्छी तरह से समझें, उसके बाद आपने जो है वो प्रोडक्ट बाय करना। देन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, थोड़े बहुत एक्ने हो जाते हैं या लिटिल टिनी बॉम्ब्स जो है स्किन पे वो हो जाते हैं, तब जो है आप ऑल स्किन टाइप जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे भी आप यूज कर सकते हैं। और ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है। आप कोशिश यही करें जो आपके बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो, जो आपके बजट में आते हो, चीप प्रोडक्ट्स वो आप बाय करें। ये ना सोचें कि ये बहुत ज्यादा 1000 रुपीज की क्रीम है या 3000 रुपीज की क्रीम है तो ये बहुत ज्यादा वर्क करेगी आपकी स्किन पे और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएगी। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको फिर बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जैसा कि मेन टॉपिक है आज का सनस्क्रीन, क्योंकि इन सिस्टर का सवाल सनस्क्रीन से रिलेटेड ही था, तो सनस्क्रीन को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको पिगमेंटेशन हो जाना, डार्क स्पॉट हो जाना, इसका रीजन ये होता है कि वो सनस्क्रीन कभी यूज करते ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि अभी हमें डार्क स्पॉट नहीं है, अभी हमें पिगमेंटेशन नहीं है, तो हमें सनस्क्रीन की नीड नहीं है।
और इसी वजह से उनको टाइम के साथ या काफी अरसे बाद जो है वो ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि धूप में जाएंगे तभी लगाएंगे कि वो आपके स्किन को जो है वो यूवी रेस से जो है सन प्रोटेक्शन देगी, ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन अगर आप घर में भी हैं तब भी आप 15 डेज में या 2-3 डेज में 1 वीक में जितना जब भी आपको टाइम मिले कभी ना कभी आप उसे अप्लाई करते रहें। बहुत सारे लोगों को सनस्क्रीन लगाना नहीं पसंद होता, तो वो इस तरह से अपने रूटीन में जो है उसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं आप रेगुलर यूज करें, 2-3 डेज में 15 डेज में 1 टाइम जो है आप यूज कर सकते हैं, इनफ होगी आपकी स्किन को। आते हैं तब हम अपनी स्किन को जो है वो कैसे यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप जो है वो नकाब को कैरी करें और बिल्कुल फुल इस तरह से उसे कवर करें कि जो आप आईज हैं और आपका पूरा जो एरिया है, इस पर आप ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं, आईज पर आप जो है वो आईस पैक भी यूज कर सकते हैं, सनग्लासेस। बाकी आपने बहुत अच्छी तरह से अपने फेस को जो है वो कवर करना है, अपने हैंड्स को जो है वो कवर करना है ताकि धूप से जो है वो आपकी स्किन नहीं खराब हो। ये किया करें कि जब भी आप धूप में जाएं, या वो गर्ल्स जो वर्किंग हैं जो जॉब करती हैं वो लोग जो है मोस्टली कोशिश ये किया करें कि आप जो नकाब कर रही हैं वो आप थोड़ा ऐसे शेड्स में यूज करें, वाइट कलर में यूज करें, किसी और अदर कलर में यूज करें, पर्पल कलर में यूज कर सकती हैं, डिफरेंट कलर में यूज करें। ब्लैक को जो है मोस्टली सन धूप के वक्त जो है सन में वो अवॉइड किया करें। जबकि हम क्या मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर हम लोग जो है वो ब्लैक ही नकाब करते हैं धूप में, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो सन को जो है वो बहुत जल्दी सूरज की किरणों को जो है वो एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और इसी वजह से स्किन पे जो है वो डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है वो पड़ती है और फिर स्किन जो है वो डैमेज होती है। इसलिए जब भी नकाब करें गर्मियों में तेज धूप में जाते वक्त, तो उसमें आप जो है वो ये शेड्स जो है वो चूज करें, ब्लैक को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करें। स्किन केयर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो किचन में काम करती हैं या जो जॉब पर जाती हैं, उनकी स्किन पे जो पॉल्यूशन होता है बाहर का, आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है बाहर, वो उनकी स्किन के डीप पोर्स में चला जाता है जो कि हमें अपनी नेक आईज से जो है नहीं दिखेगा। मिरर में आप अपना फेस देखेंगे, हमने फेस वॉश किया, हमें लगेगा ये इनफ है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है वो जर्म्स जो है वो डस्ट जो है वो हमारी स्किन के अंदर पोर्स के अंदर चली जाती है, उसके बाद जो है वो हमारी स्किन को अंदर से खराब करती है, और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो स्किन पे एलर्जी होना, रिएक्शन होना ये स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन इन सिस्टर ने मुझसे किया था वो ये था कि मैं सनस्क्रीन यूज करती हूँ, और मैं क्रीम यूज करती हूँ, और जो सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ वो सनस्क्रीन है जॉय का, जो कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले जो है वो बाय किया था फ्लिपकार्ट से। मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल है, मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन सनस्क्रीन बाय करने का जो रीजन मेरा रहा था वो ये रहा था कि ये मैटिफाइंग है और नेचुरल टोन है, 50 भी है और यूवी प्रोटेक्शन भी है। मैं जो भी मोस्टली क्रीम यूज करना पसंद करती हूँ वो मुझे स्किन टोन से रिलेटेड यानी कि टिंट फॉर्म में जो है वो पसंद है। मैं कभी भी व्हाइट कास्ट वाली या व्हाइटनिंग क्रीम जो होती है जो एकदम व्हाइट फेस लगता है लगाने के बाद, वो मैं कभी भी यूज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही जो क्रीम है वो चूज करती हूँ, चाहे मैं कोई भी क्रीम चूज करूँ। इसीलिए जो था मैंने ये जॉय का जो सनस्क्रीन था वो यूज किया था, क्योंकि इसका जो नेचुरल टोन है वो मेरी स्किन से मैच होता है, और ये ऑल स्किन टाइप है, और इसका जो शेड है वो इंडियन टोन है, यानी कि हर स्किन पर जो है वो इजिली मैच हो जाएगा। जो है मैं आपको हैंड पे अपने अप्लाई करके बता भी देती हूँ कि इसका शेड जो है वो किस कलर में है। कैमरे में जो है अभी वो इतना क्लियर शेड जो है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग चाहें तो, बजट फ्रेंडली है और बहुत अच्छी भी है, मैं यूज कर रही हूँ इसे, तो आप बाय कर सकते हैं। इसे यूज करने के बाद जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सनस्क्रीन जो है वो यूज की हुई है या कुछ फेस पर लगाया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल जो टोन है वो है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ते है, बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये भी बाय कर सकते। सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल स्टोरी आप मुझे ईमेल पर या व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सेंड कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में सवाल लिखने के बाद जो है वो थोड़ा वेट जरूर किया करें, मैं जवाब जरूर देती हूँ, चाहे थोड़ा मुझे टाइम लग जाए, 2-3 वीक्स भी कभी कभी लग जाते हैं या 15 डेज, लेकिन आंसर जो है वो आपका जरूर आपको देती हूँ। तो थोड़ा सा इंतजार किया करें मैसेज करने के बाद। वो आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।